अभी कुछ दिनों पहले जोमैटो जो कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है उस पर विवाद हुआ था कि एक हिंदू कस्टमर ने मुस्लिम डिलीवरी बॉय से खाना नहीं लिया था, जिसकी वजह से कस्टमर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये मुद्दा तो जोमैटो के बाहर था, लेकिन एक बार फिर जोमैटो विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल कोलकाता में जोमैटो के डिलीवरी स्टाफ ने जोमैटो के ऊपर आरोप लगाया है कि उनसे ऐसे खाने की डिलीवरी कराई जा रही है जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। यह बात लेकिन कल या परसों की नहीं है। जोमैटो के डिलीवरी बॉय बीते सोमवार से हड़ताल पर हैं। जोमैटो के डिलीवरी स्टाफ ने ऐलान किया है कि बकरीद के दौरान वे उस खाने की डिलीवरी नहीं करेंगे जिसमें बीफ पड़ा हो। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि कंपनी से जुड़े डिलीवरी बॉय पोर्क फूड को भी डिलीवरी नहीं करेंगे। स्टाफ की मांग है कि कंपनी इनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ ना करे। साथ ही साथ इन्होंने अपनी सैलरी भी बढ़ाने की मांग की है। कंपनी के हिंदू व मुस्लिम डिलीवरी बॉयज ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वे काम पर नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी इस मांग के बारे में सीनियर अधिकारियों को सूचना दे दी है, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। वहीं जब एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय मोहसिन अख्तर से बात की गई तो उसने बताया कि हाल ही में कंपनी के ऐप से कुछ मुस्लिम रेस्टोरेंट भी जुड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑर्डर डिलीवरी करने वाले लड़के हिंदू समुदाय से भी आते हैं। इन्होंने बीफ फूड की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया है। सुनने में आया है कि कुछ दिनों में हमें पोर्क फूड की भी डिलीवरी करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसकी डिलीवरी नहीं करेंगे। हमें वेतन से भी जुड़ी समस्याएं हैं और मेडिकल सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। ये सारी घटनाएं कंपनी में हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारे की भावना को भी प्रभावित कर रही है। मोहसिन का आरोप है कि कंपनी को सब कुछ पता है, लेकिन हमारी मदद करने के बजाय कंपनी हमारे ऊपर ही झूठे आरोप लगा रही है। जोमैटो के एक दूसरे स्टाफ ने कहा कि ऑर्डर डिलीवरी करने से उन्हें रोजी रोटी तो जरूर मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके धर्म मानने के अधिकार को दबाया जाए। हावड़ा में जोमैटो के लिए ऑर्डर डिलीवरी करने वाले ब्रिजनाथ शर्मा नाम के इस स्टाफ ने कहा, मैं एक हिंदू हूँ, यहाँ पर लोग हैं जो मुस्लिम हैं, साथ काम करने में हमें कोई समस्या नहीं है। जोमैटो ने हाल ही में कुछ नए रेस्टोरेंट से समझौता किया है। हमें किसी भी हालात में काम करना है, हम किसी भी तरीके से ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यदि हम में से कोई एक खाने को डिलीवरी देने से मना कर देता है तो इसे एक विवाद के रूप में देखा जाएगा और मैनेजर इसकी जांच करेगा। अब देखना यह होगा कि जोमैटो के सीनियर अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं।